चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। दरअसल ये एक पुराना मामला है जिसमें सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने को आदेश देते हुए वारंट जारी किया है। बता दें कि साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा महासचिव और नेता प्रतिपक्ष थे। उस दौरान मौर्य ने देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर मौर्य के खिलाफ 7 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मामले में पेश नहीं होने पर आज एमपी एमएलए कोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट उसने जारी करने का आदेश दिया। में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ परिवाद पंजीकृत किया था, क्योंकि इन्होंने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया था। इनको 295A में मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किया गया था, जिसकी निगरानी इन्होंने जिला जज न्यायालय में प्रस्तुत किया, वहाँ भी निगरानी इनकी खारिज कर दी गई। इसके उपलक्ष्य में गए हाईकोर्ट में इनको स्टे मिल गया था, लिहाजा इनका स्टे जो है 6 जनवरी को खारिज कर दिया गया और अगली जनवरी 12 जनवरी को इनको पूर्व तलब होने का आदेश दिया गया।